नमस्कार बच्चों, मेरे प्रशिक्षुओं नमस्कार, सबको राम राम। आप लोग मतलब कि यहाँ पर पीएनपी सचिव जी का जो बयान आया है, जो उन्होंने कहा है कि फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे, मतलब फोर्थ जो जिन्होंने 2019-22 के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में, उनको थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने यह भी बताया है कि पिछली बार 2018-22 में भी ऐसा हुआ था और वो लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनके विनती को, उनकी प्रार्थना को खारिज कर दिया, है ना, उनके दाखिले को खारिज कर दिया और उनको थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने पड़े। इसी तरह से उन्होंने भी कहा है कि इस बार चाहे आप फेल प्रशिक्षु हों, फिर से बैक लगा हो आपका, या फिर आप पास हुए हों, यानी कि आपका सेकेंड सेमेस्टर क्लियर हो गया हो, जो मैथ में बैक थे या फिर कुछ में और सब्जेक्ट में बच्चों का बैक था, तो भी आपको थर्ड सेमेस्टर देना होगा, आप प्रमोट नहीं होंगे। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, धरने की बात करेंगे बच्चों, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम कुछ दिन तक रुकना चाहते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी धरना हुआ है और पीएनपी सचिव का इस तरह से बयान के बाद हम तुरंत धरने के लिए वहाँ पर जा नहीं सकते, ठीक है। इस वजह से हम जनवरी तक वेट करेंगे जब तक स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आता है। अब कोई यह नहीं बोलेगा सर बहुत विलंब हो जाएगा, विलंब तो तब तो भी हो रहा था बच्चों ने, अब आपकी संख्या पे डिपेंड करता है। अगर 10 दिन के अंदर आपकी संख्या, 12 दिन के अंदर आपकी संख्या बढ़ जाती है तो एक धरना हम और प्रस्तावित करेंगे, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी हम आपके साथ ही खड़े रहते हैं हर वक्त, चाहे वह क्लास को लेकर हो, चाहे वह अपडेट को लेकर हो, चाहे वह धरने को लेकर है, ठीक है ना बच्चों। तो आपका, अब आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप कितने वीडियो को शेयर करते हैं और कितने प्रशिक्षु को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर या अपने फैमिली पर बच्चों लाते हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और सही गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो आप उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाएँ। और यह नहीं कि सिर्फ अपडेट के लिए, नहीं, सारे क्लासेस और सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दिए जाते हैं और आपको प्लेलिस्ट में भी सारे क्लासेस मिल जाएंगे, चाहे वो डीएलएड के हों, चाहे सीटेट के हों, चाहे यूपीटेट के हों, आराम से आप कर सकते हैं, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका हिंदी हो, सारे क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए गए हैं, मैथ हो चाहे यूपीटेट सीटेट के, सब कुछ तो आप कर सकते हैं। बस इतना याद रखें बच्चों, आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, साफ साफ है। अगर आपका बैक लगा है सेकेंड सेमेस्टर में, या फिर जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट तो नहीं हो रहे हैं, तो आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करना अभी से तो नहीं, मतलब रुक जाइए जनवरी तक, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यह भी आपका जो एग्ज़ाम है वह कब होगा, जून मई जून में होने वाला है, मई जून यानी 2021 बैच के साथ, 2021 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ। इस वजह से थोड़ा सा 10 दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद सारे क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे थर्ड सेमेस्टर के भी। तो आप लोग अपने आयम पर, अपने कर्म पर अड़िग रहिए और उस पर चलना स्टार्ट कर दीजिए प्रिय मित्रों, क्योंकि रुकने से या फिर बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, हमारे साथ और हमारा कर्म ही चल सकता है, ठीक है ना। तो बस हमको कर्म पे विश्वास रखना है, चलते रहना है, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं इतना समझ जाना सबका परिणाम, सबका फल जोड़कर एक ही दिन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिश्रमी हार नहीं सकता है, परिश्रमी सिर्फ और सिर्फ भटक सकता है, इस चीज़ को याद रखना। धन्यवाद।